बड़ा बेटा हो, मेरे पास पूरी जानकारी होगी, कोई भी है, और अगर अगर ये बात सही निकली कि ये सूचना आयुक्त का बेटा है तो सूचना आयुक्त को भी मैं बर्खास्त करवाऊंगा। आप समझ को तो बर्खास्त होना भी चाहिए भाई साहब, मैं इसी के सामने लगे हैं। मैं ये लोगों ने बताया, मैं कह रहा हूँ ये तहकीकात करने की बात है, और गिरफ्तारी तो नहीं, ये राजा जी परम के अंदर इस तरह घटना घटे, ये तो बहुत शर्मनाक बात है। ये क्या करना चाहिए, बड़ी हिम्मत हो गई। इसको देखिए, और वहां पर फोर्स लगा दीजिए, बराबर पुलिस लगे रहे, कोई तो इतनी जल्दी भाग जाएगी थोड़ी छोड़ कर जाए, क्या बात करते, गिरफ्तार करिए, बंद करिए इनको, और जल्दी दफाएं लगा पाइए, लगाइए सब। कल अयोध्या में ये हो रहा है, ये आज माहौल खराब करने की बिल्कुल साजिश चाहिए। क्या मामला है पूरा थोड़ा बता दे रहा। देखिए राजा जी पुरम थाना ताल कटोरा में शक्ति चौराहा है, यहाँ पे एक मकान में कोई कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम में जो आमंत्रित लोग थे वो आए हुए थे और निकल रहे थे, हिलाना ना यार तुम लोग, लोगों का कहना था कि किसी ने तो कोई नारा लगाया है जिसपे यहाँ कुछ भीड़ आक्रोशित थी, बाकी भी इससे बातचीत करके उस पर इनके तहरीर लिख दिया गया जिसपे FIR लिखी जा रही है, और इसमें हम जितने एंगल हो सकते हैं एंगल से जांच कर रहे हैं, यहाँ पे जो CCTV कैमरे लगे हैं उसकी रिगार्डिंग हम चेक कर रहे हैं, आसपास के लोगों से बातचीत की जा रही है, और जो भी चीज़ें इसमें निकल के आएंगे उसके आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर कोई नारेबाजी की बात की जा रही, पाकिस्तान के नारे लगाए गए थे, इस तरह की कोई बात सामने आई है? नारेबाजी की बात उसमें कही गई है, बाकी इसकी पूरी जांच हम कर रहे हैं, सारे जो भी इसमें फैक्ट है उस फैक्ट के आधार पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। सर किस तरीके का कार्यक्रम चल रहा था, किसने ऑर्गेनाइज कराया था वो कार्यक्रम, और कौन उसका मुख्य अतिथि था? यही कि एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कराया गया था, और उसमें कई लोग आमंत्रित थे, कुछ वो वापस जा रहे थे, उसी के दौरान ये वाकया पूरा हुआ है। बाकी ये सारी चीज़ें जांच का विषय है, और हम स्थानीय लोगों से, यहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें फैक्ट निकल करके आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब किस तरीके का माहौल है सर? नहीं, यहाँ जो स्थानीय लोग थे वो थोड़े आक्रोशित थे, उनसे बातचीत की जा रही है, और उनको समझाया जा रहा है, FIR इसमें रजिस्टर की जा रही है, उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी।